यूपीएससी में सफल होने वाले छात्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे शुभम कुमार की, जिन्होंने सिविल सेवा में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये बिहार के कटिहार मूल के निवासी हैं और अभी पुणे में रहते हैं। शुभम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है और कहा कि आईएएस बनना बचपन का सपना है। 2018 से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था एंड रिजल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊँ एंड आईएएस या आईपीएस मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। आपने जब रिजल्ट देखा तब ये रिजल्ट देखने के बाद फीलिंग्स कैसे थे, आपका रिएक्शन क्या था? मैं वापस से देखा, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा रोल नंबर चेक करिए, तो आई कुड नॉट बिलीव इट श्योरली एंड खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं अचीव कर पाए। प्रिपरेशन कैसा रहा आपका, कब से प्रिपरेशन की शुरुआत की थी और पूरा जो जर्नी अभी तक का किस तरीके से रहा? प्रिपरेशन 2018 से मैंने शुरुआत की थी एंड सारे जो भी इमोशंस हैं, फियर, एक हर प्री से पहले मुझे फियर होता था कि मैं इस बार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। हर मेंस से पहले ये डर लगता था कि मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं। सो वो प्रिपरेशन काफ़ी अप्स एंड डाउन से मैं गुजरा एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स का कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा। सो पढ़ाई किस तरीके से की, किन चीज़ों पे कैसे फोकस किया, क्योंकि अभी आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब करते वक्त पढ़ाई करना, यूपीएससी की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैसे किस तरीके से किया मैंने? पूरे प्रिपरेशन में आई ऑलवेज हैड अ वेरी गुड प्लान, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है एंड क्या क्या पढ़ना है, सारा मैं मेरे पास रहता था एंड मेरे सोर्सेज जो भी होते थे वो काफ़ी लिमिटेड होते थे। मैं कुछ सोर्सेज पे ही फोकस करता था, फिर मैं उसे बार बार पढ़ता था। और तैयारी के दौरान ये काफ़ी ऑब्वियस है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बट आई ऑलवेज सेल्फ एनालाइज माई सेल्फ कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना मैं कवर किया हूँ। ये बचपन से ही आपके दिमाग में था यूपीएससी करना है या आईएएस बनना है, या फिर किस तरीके से डेवलप हुआ, ये किस तरीके से आपका प्रेज राइज करता? बचपन से थोड़ा था, बट जब मैं क्लास 9-10 में था तो एक उस समय ये आया कि अभी इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी में जाना है। सो जब मैं आईआईटी में था तो फिर मैंने सारे एरियाज को एक्सप्लोर किया एंड आई वर्क विद अ कंपनी ऑल्सो फॉर 2 मंथ्स एंड इंटर्नशिप भी की, रिसर्च इंटर्न किया पर्ड्यू यूनिवर्सिटी US में। फिर उसके बाद फाइनल ईयर में था तो ये फिर फुल्ली मैं डिसाइड कर पाया कि मैं मुझे यूपीएससी फील्ड में ही आना है, फिर तैयारी मैंने स्टार्ट की। कॉन्सेंट्रेट किस तरीके से किया आपने, आपको क्या टारगेट लेकर चले? टारगेट तो शुरुआत में ये था कि पहला स्टेज क्लियर हो एंड कंसेंट्रेशन के लिए आई वॉज ऑलवेज इन टॉक्स विथ माई सीनियर्स आईआईटी बॉम्बे से, कुछ पहले से जो सर्विस में थे उनसे मैं बात करता था और फिर मंथली और डेली टारगेट्स रखता था कि मुझे ये पढ़ना है। सो आई थिंक दिस ऑल एट द एंड इट ऑल फॉल बैक इन द प्लेस एंड आई गॉट इनटू द लिस्ट। वहीं आगरा की अंकिता जैन ने यूपीएससी सिविल सेवा में तीसरा स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि शादी के बाद इन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू की। इनकी शादी इसी साल जुलाई में हुई और इनके पति अभिनव त्यागी भी आईपीएस हैं। यूपीएससी के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं और मुंबई की अंकिता जैन देश में तीसरी आई है यूपीएससी में। हमारे साथ अभी अंकिता जैन है। मैडम, सबसे पहले आपका अभिनंदन, पहली प्रतिक्रिया क्या देंगी आप, यूपीएससी में देश में आप तीसरी आई है? मैं काफ़ी खुश हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो कि समझना कि आपकी थर्ड रैंक आ गई है और अभी मुझे थर्ड रैंक के शायद मायने इतने पता नहीं चल रहे हैं, पर धीरे धीरे जब मैं काम करूँगी फील्ड में, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब ज़्यादा समझ में आएगा और एक अच्छी अचीवमेंट है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी कुछ अच्छा आगे करती रहूँ। किस तरह से पढ़ाई की आपने, क्योंकि ये पूरा जो फिलहाल का सिचुएशन है कोविड का सिचुएशन से और ऑनलाइन एजुकेशन पे ही ज़्यादा, ऑनलाइन स्टडी के ऊपर ज़्यादा ये किया जाता था, कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा था, आप फिजिकली आप कौन से क्लासेस में वगैरह जा नहीं पा रही थी, किस तरह से ये पूरा आपने स्टडी किया है? हाँ, कोविड के टाइम पे एक्चुअली फिजिकल क्लासेस नहीं जा पाते थे तो पर ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल और कोर्सेज अवेलेबल होते हैं
जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज या फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मैंने दोनों ऑनलाइन करी थी, और इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यूज अगर मैंने बहुत सारे नहीं दिए हैं, मैंने 2-3 दिए हैं, वो भी मैंने ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, 1-2 ऑफलाइन ट्राई कर रहे हैं। तो ऑनलाइन भी स्टडी मैनेज किया जा सकता है, हमें बस अपनी बुक्स को लिमिट करना चाहिए, बुक्स ढूंढ लेनी चाहिए कि आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं, वो बुक्स लीजिए, अपने रूम में रख लीजिए, खरीद लीजिए। और ऑनलाइन कोर्सेज आपको इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, आपको वो मिल जाएंगे। और मेरे को लगता है कि मैनेज किया जा सकता है, थोड़ा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर लीजिए, आपस में डिस्कशन आप फ़ोन पे कर लीजिए, कोई ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए, उसके थ्रू डिस्कशंस कर लीजिए। तो लॉकडाउन में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। ये आपका यूपीएससी का दूसरा अटेम्प्ट है, इसके पहले भी आपने यूपीएससी दी थी, अभी आपके क्या विजन्स रहेंगे? आप देश में तो अभी तीसरी आई है, काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की है आपने, किस तरह के विजन रहेंगे आगे, आपको क्या करना है आगे जाकर? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, इससे पहले जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें मुझे बहुत अच्छी सर्विस मिली है, मैं भी उसमें कार्यरत हूँ। मैं आगे बहुत सारे, मेरा यूपीएससी मैंने का मेन मकसद यही है कि मैं बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स में वर्क करूं, एंड आई वांट टू लर्न अ लॉट, एंड आल्सो आई वांट टू कंट्रीब्यूट, कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूं तो वो डायरेक्टली फील्ड पे दिखना चाहिए। तो मैंने ऐसा अपने दोस्तों को भी काम करते देखा है, कोविड के टाइम पे मेरे काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने, मेरे बैचमेट्स थे जिन्होंने काफ़ी कोविड में काम किया है, जैसे लेबर्स को मूवमेंट में इशू था, अब दिल्ली की बात लगा लीजिए, मैं मूलतः जैसे दिल्ली की हूँ, तो उनको वो इशू था, तो वो उसमें डायरेक्टली इंगेज थे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंस्पायर करती है। हमारी एक ट्रेनिंग के टाइम पे विलेज विजिट होती है, तो मैं विलेज विजिट में मैंने जाके देखा कि अगर मैं इस पोजीशन पे आ जाऊँगी तो मैं बहुत काम कर सकती हूँ, और स्पेशली मैं काम करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर मुझे लगता है कि इन दो फील्ड्स में काम करा जाए तो हमारा ह्यूमन कैपिटल काफ़ी ग्रो कर सकता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाली जागृति अवस्थी से जी मीडिया ने बात की, ये उनका दूसरा प्रयास था। जागृति ने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी की परीक्षा में देश में दूसरा रैंक हासिल करने वाली जागृति अवस्थी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत बधाई हो जागृति, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुश लग रही हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट था तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अब आईएएस अफसर बनना चाहती हैं आप, कैसे? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही है, तो वही मैं बनूंगी। आईएएस अफसर बनकर आप क्या करना चाहती हैं जो अलग हो, क्योंकि आप एक युवा वुमन के तौर पर आ रही हैं और महिलाओं की शक्ति भी ब्यूरोक्रेसी में बढ़ रही है, कैसे काम करेंगी? एक सेंसिटिव सिविल सर्वेंट की तरह आगे अपने आप को ग्रो करना चाहूंगी, बहुत ही अकाउंटेबल पर्सन की तरह बोथ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहूंगी मैं। तो यही कि जो महिलाओं का माना जाता है इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं, तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करूंगी ब्यूरोक्रेसी में, ताकि ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली हो सकें और ज्यादा अपने काम को अच्छे से अकम्प्लिश कर सकें। आप पहले बीटेक किया आपने, फिर आपने नौकरी की, फिर अचानक से आप यूपीएससी की तैयारी करने लगी और दूसरी रैंक, ये कैसे आपने नौकरी छोड़ी फिर पहले बीटेक क्यों किया? सर बीटेक तो ऐसा है कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने में आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो लगती है, और एक दिमाग में पीछे कहीं रहता था कि कलेक्टर होता है, कुछ सुनते थे कि बनना है, अच्छा होता है, पर कभी सीरियस एफर्ट नहीं था। फिर बीटेक किया, गेट दिया, बीएचईएल में आए, बीएचईएल में आकर के जब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई लाइफ में, तो अपने आसपास ऑब्जर्व किया तो ऐसा लगा कि ज़्यादा डाइवर्स सर्विस है, कई सोशल सेक्शंस के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगा ये सर्विस और मेरी पर्सनालिटी से सूट करती है, मुझे बात करना पसंद है और मतलब मेरे स्किल्स से अलाइन करती है, तो मुझे पूरी जर्नी में किसका सपोर्ट रहा, फैमिली में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट किया और क्या कैसा सफ़र रहा? फैमिली में सभी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने जॉब छोड़ने के डिसीजन को सपोर्ट करना, एक भी बार उन्होंने किसी भी तरह की शादी से रिलेटेड या इधर उधर की कोई बात नहीं की। मेरे भाई ने पेपर्स प्रिंट कर करके देना, एमसीक्यूज करेक्ट करना मेरे और बताना, बायोलॉजी में थोड़ी सी हेल्प कर देना, तो ओवरऑल सबका बहुत सपोर्ट रहा है। कैसे आपने पढ़ाई की और उन स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, आपकी सफलता का राज? सर सिलेबस को समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा, लिख लिख कर पढ़िए, लिख लिख कर पढ़ने से आपके मेमोरी में रिटेंशन पावर बढ़ जाती है,
तो और जो भी कमी रह जाए उनको करेक्ट जरूर करिए, खुद से कम्पीट करिए और खुद में बिलीव रखिए। आप की हॉबीज क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो गए, हॉबीज आपकी प्लीज बताएं। मेरी हॉबीज है, मुझे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, मुझे हेल्थ कुकिंग में इंटरेस्ट है, मैं बुंदेलखंड एरिया से आती हूँ तो बुंदेलखंडी म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा। तो प्लीज आप बुंदेलखंड से बिलोंग करती हैं और बुंदेलखंडी म्यूजिक सुनती हैं, तो थोड़ी दो लाइन। सर मेरा गाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एक्चुअली मुझे ऐसे लिरिक्स भी अचानक से याद नहीं आ रहे अभी। बस दो लाइन, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं और आप बुंदेली में गाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत पहले ये गाना सुना था बुंदेलखंड के बारे में ही कि लागे बुंदेलखंड प्यारो मोरी गुइया ओरछा में बेराजे राजा राम लागे बुंदेलखंड प्यारो, काफी लंबा गाना था, मुझे लिरिक्स याद नहीं है। तो ये जागृति अवस्थी हैं, दूसरी रैंक इंडिया में इनका आया है और बहुत ही खुशी का इजहार, खुशी का माहौल घर में है और बहुत आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती हैं सिस्टम में जागृति। और इसी के साथ कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। कामयाबी की कहानी यूपीएससी के टॉपर्स की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं, ऐसे ही दो और टॉपर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, ममता और अंकिता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ममता आपसे मेरा सवाल है, जिस मुकाम पर आज आप हैं, जिस तरह की सफलता आपने हासिल की है, हर साल लाखों की संख्या में लोग इसके लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और आप जैसे बहुत कम, कुछ चंद लोग हैं जो इतने सफल हो पाते हैं, तो यही सवाल पहला है कि कैसे पहुंचे इस मुकाम तक, कैसा रहा सफर? सर मैंने तैयारी 2018 में स्टार्ट करी थी, तो तब से लेके मैं कहूंगी कि कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करें, अपनी तैयारी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते रहें कि सही जा रही है या नहीं जा रही है, मॉक टेस्ट दें, जो भी रिजल्ट आता है उसे ऑब्वियसली एक रिजल्ट पे इमोशनल हमारा रिस्पांस होता है बट उसको रैशनली देखना भी बहुत जरूरी होता है ताकि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, तो इन्हीं सब चीजों से आई वुड से दे हैव इट हैज हेल्प मी। अंकिता आपके सफर की अगर मैं बात करूं, कहां से शुरू हुआ, किस तरह का संघर्ष आपका रहा? मैंने अपना तैयारी 2017 में स्टार्ट की थी और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, तो इस बार बहुत ज़्यादा मतलब इस तैयारी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं और बहुत लोगों का साथ भी मिला है और मेरी सिस्टर है विशाली जैन, उसकी इस बार 21 रैंक आई है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड है वो IPS हैं, उन्होंने बहुत गाइडेंस दी है और मेरे फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, तो काफ़ी बार मेंटली ऐसा लगता था कि कितना मतलब और कितना, तो उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, तो उसमें ये मॉरल सपोर्ट सिस्टम जो आपका होता है वो थोड़ा बहुत आप खुद को समझो वो, तो ऐसा रहता है। अंकिता ये एक और सवाल यहाँ पर ये है कि पिछला 1-1.5 साल अगर हम कहें तैयारी का, ये बहुत मुश्किल रहा है सबके लिए, पेंडेमिक के समय में घर से बाहर नहीं जा पाना, लॉकडाउन में रहना, अपने स्वास्थ्य को लेकर लोगों में काफी चिंता थी, ऊपर से मानसिक जो दबाव है और तनाव है वो बहुत ज्यादा था, इस दौरान किस तरह से तैयारी की? इस टाइम मैं ट्रेनिंग में भी थी और मुझे ट्रेनिंग भी करनी थी और UPSC के लिए पढ़ना था और मेरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही थी मेंस के टाइम पे, तब मुझे कोविड भी हो गया था, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि आप कितने चैलेंजेस को और फेस करेंगे, तो तब बस मैंने यही सोचा कि जो मेरे हाथ में है मैं उतना कर लेती हूँ, जैसे कोविड के टाइम पे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं 2-3 घंटे कोशिश करती थी, बीमार हूँ तो 2-3 घंटे पढ़ने की कोशिश करूँ और बाकी टाइम रेस्ट करूँगी, 13-14 आवर्स सो जाऊँगी, बाकी ऑनलाइन थोड़े मटीरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज़ करा, अपनी सिस्टर के साथ ऑनलाइन डिस्कशंस करे, टेलीफोनिक डिस्कशंस करे, थोड़े नोट्स उसने मुझे ऑनलाइन शेयर कर दिए, थोड़े नोट्स उसने मुझे कुरियर कर दिए, तो ऐसे करके मैंने अपनी पूरी तैयारी की है इस बार। ठीक है, यहाँ से आगे के लिए क्या सोचा है, क्या प्राथमिकता है आपकी? मैं UPSC में आई हूँ ये सोच के कि मैं बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारा काम करूँगी, तो जितनी डाइवर्स फील्ड्स में मुझे काम करने को मिलेगा वैसे करूँगी, सिंस मेरा बैकग्राउंड ऑडिट का रहा है तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि जो जो लूप होल्स बताता है ऑडिट उसको मैं देखूं कि एक्चुअली सिस्टम में ये सब गलतियां हैं, इनको सही से कैसे किया जा सकता है, अपने सिस्टम को अकाउंटेबल बनाऊं और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करूं अपने सिस्टम में, और
मैं कुछ एरियाज हैं जो मतलब मेरे दिल के करीब हैं, मतलब मैं सब में काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करना चाहूंगी और साइंस से रिलेटेड। इसलिए पूछा कि क्या प्राथमिकता होगी, आईएएस होगा, कुछ और सोचा है दिमाग में? आईएएस ही है प्राथमिकता। ठीक है, ममता आपकी प्राथमिकता क्या होगी अब यहाँ से आगे? सर आईएएस ही फर्स्ट प्रेफरेंस है। जैसा कि अंकिता ने बताया कि वो क्या करना चाहती हैं, किस क्षेत्र में करना चाहती हैं, आपके दिमाग में भी कुछ बातें हैं, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके सामने जो सबसे बड़ा मौका अपॉर्चुनिटी होती है वो देश की सेवा करने की होती है और समाज में एक बदलाव लाने की होती है, आपके दिमाग में भी कुछ है ऐसे मुद्दे? जी सर बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि काफी डाइवर्स हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट लेवल्स पे काम करने की, तो यही कोशिश रहेगी कि जहां पर भी जाए अगर कोई छोटे से छोटा भी चेंज किसी भी सेक्टर में ला सके जो एक मतलब काफी परमानेंट टाइप का हो, तो यही चाहेंगे कि एक पॉजिटिव चेंज ला सके इररिस्पेक्टिव ऑफ क्यों कितना छोटा है या किस सेक्टर में है, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया ममता यादव और अंकिता जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत बधाई जो आपने सफलता हासिल की है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।